Hello friends, welcome to Vidya Vihar. आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का एक टॉपिक. तो आज का हमारा टॉपिक है ऑर्बिट, ऑब्लिक फेस, सब ऑर्बिट, ऑब्लिक सरफेस और ऑर्बिटल. चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं रिकॉल करना चाहूंगी कि एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है. एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है जो कि इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिवली चार्ज होता है. अब चलिए हम लोग बात करेंगे ऑर्बिट यानी कि सेल की. तो ऑर्बिट क्या होता है? तो न्यूक्लियस की चारों ओर सर्टेन डिस्टेंस पे एक फिक्स्ड और वेल डिफाइंड पाथ जिसको बोल सकते हैं उस पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है. इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट बोलते हैं. अब हम लोग फिक्स्ड और वेल डिफाइंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि एटम के चारों एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की चारों ओर कहीं भी रिवॉल्व कर रहा होता है, ऐसा नहीं है. उसका एक अपना फिक्स्ड और वेल डिफाइंड पाथ होता है जो कि न्यूक्लियस से सर्टेन डिस्टेंस पे होता है. तो उसी बात को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट बोलते हैं और या तो सेल बोलते हैं. इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल भी बोलते हैं. अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट क्या चीज़ से करते हैं? इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश लेटर के एल एम एम सो ऑन ऐसे चलता रहता है. कहीं कहीं पर आपको ए बी सी डी भी मिल जाएगा तो कन्फ्यूज नहीं होना है, कोई बात नहीं, बात एक ही है. अब तो ये था हमारा ऑर्बिट और सेल. अब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ऑर्बिट यानी कि के सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है. फिर सेकेंड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है वो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना हो सकता है मैक्सिमम. सेकेंड ऑर्बिट में कितना होगा मैक्सिमम. इसी तरह थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा. तो चलिए हम लोग देखते हैं. फर्स्ट ऑर्बिट दैट के सेल है मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन. मैक्सिमम कितना? दो इलेक्ट्रॉन होगा. मिनिमम वन हो सकता है लेकिन टू से अधिक कभी नहीं होगा. वैसे सेकेंड ऑर्बिट यानी कि एल सेल में मैक्सिमम कितना? एक इलेक्ट्रॉन होगा. वैसे थर्ड ऑर्बिट यानी कि एम सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन होगा. 18 से अधिक कभी नहीं होगा, 19 नहीं होगा. वन हो सकता है, टू थ्री फोर करके 18 तक हो सकता है लेकिन 18 से अधिक कभी नहीं होगा. वैसे फोर्थ ऑर्बिट यानी कि एम सेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन होगा. ठीक है, तो अब यहाँ वन टू थ्री फोर ऑर्बिट का फोर्थ ऑर्बिट तक तो हम लोग देखें. जैसे कि हम लोगों को टेंथ ऑर्बिट में निकालना हो कि मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे? उतना सही का तो याद रखना पॉसिबल नहीं है. तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज कर लेते हैं? टू एल स्क्वायर, जहाँ पे एम क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट. जैसे अगर हमको फर्स्ट ऑर्बिट का निकालना था तो हम लोग क्या करें? एम का वैल्यू वन पुट कर दें. तो वन का स्क्वायर कितना हो गया? वन, और वन इंटू टू थर्ड ऑर्बिट के एम से. अगर हम लोगों को टेंथ ऑर्बिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना तो एम का वैल्यू क्या पुट करेंगे? टेन पुट कर देंगे. टेन का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100. 100 इनटू 2 यानी कि 200 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो जाएगा किसमें? टेंथ ऑर्बिट में. फिर फाइव हम लोग किसी का निकाल सकते हैं, बस एम का वैल्यू जिस ऑर्बिट का निकालना है वो पुट कर देंगे तो निकल जाएगा हम लोगों का नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट. हम चलते हैं सब ऑर्बिट और सबसे. तो सब ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट का ही सब डिवीजन है. इसको हम लोग रिप्रेजेंट क्या चीज से करते हैं? एफ पी डी एफ सो ऑन ऐसे ही चलता है. तो एस फॉर स्टार, पी फॉर प्रिंसिपल, डी फॉर डिफ्यूज एंड एफ फॉर फंडामेंटल. तो फर्स्ट ऑर्बिट यानी कि के सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेल कितना होता है? वन सबसेल होता है. यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट के सेल का एक सबसेल होता है, एक ही सबसेल होता है, वन एस. सेकेंड ऑर्बिट और एफ सेल का दो सबसेल होता है, टू एस और टू पी. थर्ड ऑर्बिट यानी कि एम सेल का थ्री सबसेल होता है, थ्री एस, थ्री पी, थ्री डी. वैसे ही फोर्थ ऑर्बिट यानी एम सेल का
का फोर्थ सबसेल होता है. फोर सबसेल कौन कौन सा? फोर एफ, फोर पी, फोर डी और फोर एफ. देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट था तो एक सबसेल, सेकेंड ऑर्बिट था तो दो सबसेल, टू एस और टू पी. थर्ड ऑर्बिट था तो थ्री सबसेल, थ्री एस, थ्री पी, थ्री डी. फोर्थ ऑर्बिट था तो फोर सबसेल, फोर एस, फोर पी, फोर डी और फोर एफ. वैसे ही अगर हम लोगों को टेंथ ऑर्बिट का निकालना है उसमें कितना सबसेल होगा, तो टेन सबसेल होगा, टेन एस, टेन पी, ऐसे ही चल रहा है आगे. तो ये था हमारा सबसेल और जिसको हम लोग बोल सकते हैं सब ऑर्बिट. अब चलिए हम लोग बात करते हैं ऑर्बिटल. अब देखिए थोड़ी देर पहले हम लोग ऑर्बिट पढ़े थे, अभी यहाँ पे ऑर्बिटल तो कन्फ्यूज नहीं होना. तो चलो ऑर्बिटल किसको कहते हैं, तो न्यूक्लियस की चारों ओर वैसा स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो हर जगह रिकॉल कर रहा होता है, लेकिन कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो होता है वो मैक्सिमम हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अधिकतर अधिक ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे पाया जाता है. तो जहाँ ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल बोलते हैं. तो अब हम लोग टाइप ऑफ ऑर्बिटल की बात करेंगे, तो एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल. तो अब यहाँ पे फिर कन्फ्यूजन होती है कि एस यहाँ पे हम लोग एस पी डी एफ क्या सबसे था, लेकिन यहाँ पे एस पी डी एफ फिर ऑर्बिटल को बोल रहे हैं क्या. तो अब देखिए एक अलग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कोई एक घर है तो वो एक कमरे का है, जिस घर में एक ही कमरा है, एक ही कमरे में सभी लोग रहते हैं, ठीक है, ऐसा भी होता है. तो वो एक कमरे से बना हुआ एक घर है, उसको हम लोग कमरा बोले या घर भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही कमरे में सभी लोग रहते हैं. तो वैसे ही एस सबसेल जो था, सबसेल एस सबसेल जो था वो एक ही कमरे यानी कि एस ऑर्बिटल से बना हुआ है. वैसे ही पी ऑर्बिटल यानी कि पी सबसेल यानी कि पी ऑर्बिट जो पी सब ऑर्बिट जो था, पी सबसेल वो थ्री पी ऑर्बिटल से मिलकर बना हुआ है. वो पी वो है पी एक्स, पी वाई, पी जेड. तो ये थ्री पी ऑर्बिटल मिलकर के क्या बनाता है, पी सबसेल बनाता है. तो यहाँ पे घर कौन सा हो गया, पी सबसेल, और ये तीन इसका कमरा हो गया पी एक्स, पी वाई और पी जेड. क्योंकि पी सबसेल जो है वो यानी कि वो पी जो हाउस है वो थ्री थ्री कमरे से मिलकर बना हुआ है, तीन कमरे से. वैसे ही डी ऑर्बिटल जो है उसका मैसेज उसका कितना नंबर होता है, फाइव नंबर, फाइव नंबर होता है डी ऑर्बिटल. डी इसका नेम देख लेंगे हम लोग, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर, फाइव स्क्वायर. ये फाइव मिलकर क्या बनाता है, डी सबसेल बनाता है, जिसको सब ऑर्बिटल बोलते हैं. तो ये फाइव यानी कि ये जो घर है डी सबसेल, जिसको सबसेल हम लोग क्या बोल रहे हैं, घर बोल रहे हैं, और ऑर्बिटल को हम लोग कमरा बोल रहे हैं यानी कि रूम. तो ये जो डी सबसेल है, डी घर जो है वो फाइव, उसमें कितना फाइव कमरा है, तो यानी कि ये फाइव डी ऑर्बिटल. वैसे ही एफ एफ सबसेल यानी कि एफ घर जो है उसमें कितना कमरा है, सेवन कमरा है, यानी कि फाइव यानी कि सेवन ऑर्बिटल. तो वो सेवन, वो सेवन ऑर्बिटल का नेम भी हम लोग देख लें, थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स है, ऐसे बेसिकली इसको याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन कभी अगर हम लोग एक दो बार देख लेंगे तो वो वैसे ही याद रहे और उतना ही कॉम्प्लेक्स नहीं है. तो चलिए देखते हैं, तो क्या है पहला, फर्स्ट फर्स्ट का नेम एफ एक्स वाई जेड, एफ एक्स स्क्वायर, फिर एफ वाई स्क्वायर, एफ जेड स्क्वायर, एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एफ जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये सेवन ऑर्बिटल मिलकर क्या बनाएगा, अगर ये एक एक को देखें एफ एक्स वाई, एफ एक्स वाई तो ये एक ऑर्बिटल है, लेकिन अगर हम सभी सेवन को मिला दें तो ये पूरा क्या हो जाएगा, एफ सबसेल बनाएगा. तो ये था हमारा क्या, ऑर्बिट, ऑर्बिटल और सबसेल. अब चलिए हम लोग आते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे रिलेशन देख लेंगे हम लोग, इसमें सेल सबसेल और ऑर्बिटल में. तो जैसे एन से यानी कि एन ऑर्बिट लेना है, एन ऑर्बिट लेना है, तो उसमें नंबर ऑफ सबसेल कितना हो जाएगा, एन सबसेल हो जाएगा. और ऑर्बिटल की बात करें तो एन स्क्वायर ऑर्बिटल हो जाएगा. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा, टू एन स्क्वायर हो जाएगा. तो एग्जाम्पल लेते जैसे कि हम लोग थर्ड ऑर्बिट, तो थर्ड ऑर्बिट में कितना नंबर ऑफ सबसेल हो जाएगा, तो एन सबसेल, एन ऑर्बिट लिए तो एन सबसेल, तो थर्ड ऑर्बिट लिए तो कितना सबसेल, थ्री सबसेल, थ्री एस, थ्री पी, थ्री डी. और अब ऑर्बिटल,
ऑर्बिटल कितना होगा, तो एन का हम सॉल्व कर लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 9 ऑर्बिटल हो जाएगा। अब ये 9 ऑर्बिटल कैसे होता है तो देख लेंगे, एफ का 1 ऑर्बिटल, पी का 3 ऑर्बिटल, डी का 5 ऑर्बिटल, तो कितना हो गया 1 + 3 + 5 = 9 ऑर्बिटल, यानी कि थर्ड ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल हो गया, 9 ऑर्बिटल हो गया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हम लोग देखे थे पहले कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम क्या यूज किए थे, 2n² तो n का वैल्यू हम 3 पुट कर रहे हैं, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 9 2 18, तो 18 हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n थर्ड ऑर्बिट। तो ये था हमारा सेल, सबसेल, ऑर्बिट और ऑर्बिटल, जिसको हम लोग ऑर्बिट, सब ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल भी बोलते हैं। तो चलिए आप लोगों का कंफ्यूजन, जो भी कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी हम लोग इस डायग्राम से और भी क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है आपको एलिप्स, बेसिकली इसको हम लोग सर्कल नहीं बोलेंगे, ये एलिप्स है, ब्लू स्काई ब्लू जो दिख रहा सर्कल जा रहा है। तो ये हो गया सेल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेल, और सेल के अंदर जो ये रेड बॉक्स दिख रहा है, एक स्क्वायर शेप का है, एक रेक्टेंगुलर शेप का है, ये हो गया सबसे। और इसके अंदर जो एक स्फीयर की शेप का दिख रहा है इसका व्यू, जो कि स्क्वायर के अंदर है, और ये पिंक कलर का जो तीन दिख रहा है, ये जो रेड रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर है वो है 2, एक ये पिंक वाला फर्स्ट डायग्राम, सेकेंड और थर्ड ये ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये था हमारा, और ये अब आप लोग यहाँ पे ये देखिए कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कैसा सेल क्या बना हुआ, तो ये स्ट्रक्चर है एक्चुअली ऑर्बिटल का, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आप लोगों के डाउट को क्लियर करूँगी। थैंक यू।